मीडियम साइज बिजनेस के लिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न पे हमने बात कर ली कि बिजनेस चलता रहेगा फोरसेबल फ्यूचर तक, अगले 12 महीने तक हर साल ये कसम खाएंगे, और बिजनेस के बंद होने के कोई आसार नहीं है। और अगर बिजनेस बंद होने वाला है तो हम नॉन करंट एसेट को उसकी कॉस्ट या नेट बुक वैल्यू पे नहीं रखेंगे बल्कि फोर्स सेल वैल्यू पर रखेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड अज्यूमिंग दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फोरसेबल फ्यूचर। तो 10 का आंसर बन गया ए। इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे दे वर अकाउंटेड फॉर इन द प्रीवियस पीरियड, सही है। ये है आपका कंसिस्टेंसी, जैसे पिछले साल अकाउंट बनाए थे वैसे ही बनाए। प्रॉफिट शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड एंड लॉसेज रिटर्न ऑफ एज सून एज दे आर नोन, ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मतलब वो जो प्रॉफिट हो सकता है उसको अभी बुक ना करो जब तक हुआ नहीं, और जो लॉस हो सकता है उसको फौरन बुक कर लो, प्रूडेंस, एहतियात वाली अप्रोच। और रेवेन्यू एंड कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन द मनी इज रिसीव और पेड। इसका मतलब जब पैसा आया या गया वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक्सपेंस इस साल का है तो इस साल रिकॉर्ड कर लो चाहे पैसे दिए या नहीं दिए। तो ये कौन सा है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है डी वाला। तो हमें गोइंग कंसर्न बताना था।